सो दिस इज़ फर्स्ट डे और अभी हम सुबह सुबह निकल रहे हैं केवला देव के लिए। अर्षित और विकास गाड़ी में आ रहे हैं और मैं अपनी साइकिल पे। एक्सट्रीम लेवल की ठंड है यहाँ पे, 60 डिग्री टेम्परेचर है। अर्षित और विकास गाड़ी में पीछे आ गए साइकिल पे, लेकिन मज़ा आ रहा है। नई सिटी में आओ और वहाँ पे साइकिल पे आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिले तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, पूरा शहर देखने को मिल जाता है। साइकिल वाला, रिक्शा और बाइक ऑप्शन भी होते हैं अगर आपको घूमना है तो, बट साइकिल पे आप अपनी मर्जी हो वहाँ रोक सकते हो, फोटोज ले सकते हो, और दैट्स व्हाई हमने साइकिल चूज की है। भी हो रहा, साथ में कैलोरीज बर्न हो रही है। एंटरिंग द केवला देव नेशनल पार्क। सो ये है बोटिंग प्लेस, ये लॉकडाउन के पहले से बंद है तो अभी आगे बढ़ रहे हैं। बस यहाँ कुछ फोटोज लिए, किंगफिशर दिखा था उसकी फोटो ली हमने, आगे जा रहे हैं। जगह यहाँ महीने में एक बार ऐसा ब्रेक होना चाहिए नेचर के बीच में। तो यार रोज रनिंग करने आ सकता हूँ, इससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। ऐसी जगह पे मोटिवेशन भी मिलती है ना रनिंग करने के लिए। एयर क्वालिटी काफी, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर श्योर 10 के नीचे है। बहुत सही जगह, यहाँ पे काफी हरियाली है, आसपास पेड़ ही पेड़ है। सर्दी बाहर से कम लग रही है, यहाँ पे इसकी आवाज आती रहती है। पूरा केवला देव साइकिल पे घूमने वाले हैं तो हर जगह रुक के देखेंगे। इसकी फोटो लेता हूँ मैं अभी, इसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपस में। यहाँ पे बर्ड्स हैं, पानी के पास में बर्ड्स मिल जाते हैं, उनकी फोटोज ले रहे हैं हम। बर्ड्स तो यहाँ पानी के आसपास दिखते होंगे ना, अभी तो काफी दिखेंगे, पानी आएगा जब मिलेगा, जब टाइगर मिल जाओ। लोग साइकिलिंग करते हैं यहाँ पे फिटनेस के लिए, इतनी बढ़िया जगह पे तो साइकिलिंग करने का मजा ही आता है। सर्दियों में बस एक प्रॉब्लम होती है, कैमरा के जो लेंस होता है ना उस पर फोग आ जाता है तो उसको बार बार हटाना पड़ता है, ये एक दिक्कत देता है यहाँ। तो आप ही नॉर्मल बर्ड्स भी हैं और ऐसे बर्ड्स भी हैं जो कभी देखे नहीं पहले। यार मिस मत करो यार, बहुत सारे बर्ड्स हैं यहाँ बैठे पानी में। हर्षित का कॉल आया अभी, आगे कोई बर्ड पंख खोल के बैठा है उसके। ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं फिर बर्ड्स, तो उनको थोड़ी पता है कि हमें फोटो इंस्टाग्राम पे डालनी है। नेचर के बारे में यही अच्छी चीज़ है कि यू कैन नॉट कंट्रोल इट, आपको उनके हिसाब से चलना होता है, पेशेंस रखना पड़ता है, देखना होता है कि कब कौन सा अच्छा फ्रेम आएगा वो। विकास पकड़ फटाफट पकड़, स्नेक बर्ड बैठी है पंखों को ऐसे मतलब सुखा रही है, तो ऐसे बैटमैन होता ना ऐसा लग रहा है कुछ लुक उसका, उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। आओ आपको केवला देव के बारे में एक अच्छी बात ये कि यहाँ पे 375 से भी ज़्यादा बर्ड स्पीसीज हैं, बहुत कम जगह है इतनी ज़्यादा स्पीसीज आपको एक ही जगह पे मिल जाए तो इसलिए। और यहाँ का मेन अट्रैक्शन है साइबेरियन सारस, और जब हम स्कूल में थे तब हमें बार बार ये याद दिलाते थे कि केवला देव नेशनल पार्क भरतपुर में, अगर वो पढ़ाया नहीं होता ना तो आज अभी शायद हम उदयपुर निकल जाते। पहले तो साइबेरिया, यूरोप, मंगोलिया, चाइना वहाँ से जाते थे, बहुत बहुत वहाँ से आ गए भाई, वहीं से आए जरे किताबन में लिखो पुराने टाइम में पढ़ा, साइबेरिया थे, साइबेरियन ट्रेन आ गई, कितने हजार किलोमीटर है यहाँ, अभी कहा रास्ते में उसकी हंटिंग होने लग गई पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हंटिंग होने लग गई तो वहाँ तक आ ना पा रही। अभी 2002 से बंद है बिल्कुल साइबेरियन ट्रेन, सारस ट्रेन है वो यहीं पर, गर्मी में वैसे ये भी चले जाएँ अपने। केवला देव में दूर दूर से वाइल्ड लाइफर्स आते हैं, फोटोग्राफर्स आते हैं फोटोज लेने यहाँ बर्ड्स की, और अच्छा लग रहा है हमें भी यहाँ आके। वो सामने आइलैंड टाइप का ना उस पर बैठे हैं पेंटेड स्टोक। ये दो सांड वहाँ पे कैसे कह रहे हैं, वापस कैसे आएंगे?
पानी में गए पानी ना रात थोड़ी आया था पानी क्या हो गया भाई कुछ दिखा गया हल्का सा ब्राइट आ रहा है यार फोटो सर यहाँ पे हिरन भी है पीछे एक वाइट स्पॉटेड डियर है कुछ ग्रुप है उनका वहाँ पे कैमरे में तो दिखेगा नहीं इतनी दूर बट आगे वॉच टावर है वहाँ जा रहे हैं हम ये बैठा है यहाँ पे विकास ने जैसे ही यहाँ पे कुरकुरे डाले देखो कितने बर्ड्स आ गए इसके आस पास बर्ड्स को नहीं देते तो बताएगा तो बर्ड लाइफ ये ले जाएंगे बर्ड फ्लू लिख कर देंगे यहाँ आगे कुछ भी नहीं है बस दो तीन वॉच टावर है जो हम ऊपर चढ़ के देख लेंगे और इसे वो पीछे केवला देव महादेव का मंदिर है दर्शन कर लेंगे अभी हवेली का नाम है केवला देव नेशनल पार्क सॉरी पैरट्स थोड़े पास से दिखाऊंगा आपको काफी सारे पैरट्स हैं यहाँ पे सॉरी आपने इन्हें उड़ा दिया माइक का बटन थोड़ा धीरे से दबाया करो तोते उड़ गए सारे वो टावर से के ऐसा कुछ दिखता है नीचे पानी भरा हुआ है काफ़ी बर्ड्स हैं और पेड़ों की सेम हाइट पे आ जाते हैं तो फोटोज अच्छी आती है बर्ड्स की क्योंकि काफ़ी सारे बर्ड्स पेड़ों पे रहते हैं इसलिए वो टावर बनाया हुआ है यहाँ पूरा एक वाइड व्यू मिल जाता है नेक्स्ट वो टावर की तरफ बढ़ रहे हैं हम सारा पार्क हमने एक्सप्लोर कर लिया है साइकिल्स पे अच्छा एक्सपीरियंस आपको साइकिल पे ही मिलेगा अगर आप यहाँ आते हो तो ये वाला वीडियो यहीं एंड करते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब वाले बटन को दबोच लीजिए आ रहा सॉरी सॉरी गलत